जौनपुर में राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल बोटा के 1 दिसंबर से बंद किए जाने के फरमान पर लोगों ने अस्पताल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और सैकड़ों महिलाओं ने इकट्ठा होकर चक्का जाम किया। लोग चैरिटेबल अस्पताल बोटा को बंद न करने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस दौरान बरसर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक आशीष शर्मा और विधायक रणधीर शर्मा ने भी आकर महिलाओं से बातचीत की और मसले को लेकर सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। चैरिटेबल हॉस्पिटल चला हुआ है और सरकार की मानसिकता का स्तर आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री को या तो ये नहीं पता कि प्रदेश में चल क्या रहा है और अपने जिले का नहीं पता है कि अपने जिले में क्या चल रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कहाँ उनका CID, कहाँ उनका ये जो उनके पुलिस विभाग या बाकी विभाग हैं जो उनको क्या बताते नहीं है कि क्या एजिटेशन वहाँ पे लोगों के बीच में चला हुआ है और उनके तक क्या ये खबरें नहीं पहुँचती हैं कि क्या चला है और क्या ये जो संस्थान है यहाँ पे जो 24 वर्षों से लोगों की सेवाओं में लगा हुआ है, ऐसे संस्थान की ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि यहाँ पे बोर्ड लगाना पड़ा, महाराज जी को ये आदेश देने पड़े कि 30 तारीख तक आप ये फैसला लें नहीं तो इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा। और सरकार की ऐसी मंशा दिखती है कि ये सोचते हैं कि जब तक लोग सड़कों पे ना आए तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है, वो भी यही कह रहे हैं कि बाबा जी के सख्त आदेश हैं कि अगर सरकार इसी प्रकार से ढीलमुल रवैया अपनाए रखेगी तो हम इसको बंद कर देंगे और 30 तारीख को ये बंद हो ही जाएगा अगर सरकार इसमें फैसला नहीं लेती है। तो सरकार को तुरंत प्रभार से सरकार के पास अख्तियार है, वो ऑर्डिनेंस ला के भी इस समस्या का हल कर सकती है कि बहुत बड़ा इशू तो है नहीं है। केवल मात्र एक संस्था से दूसरी संस्था की तरफ को जो है इसका ट्रांसफ़र होनी है लैंड की, तो उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ये भी सच्चाई वाली बात है जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमें जो है GST बहुत ज़्यादा पड़ता है जिसकी वजह से हम मुफ्त में इलाज यहाँ नहीं करवा सकते हैं। और जो इन्होंने अपग्रेड करना है हॉस्पिटल को, अपग्रेड होने से यहाँ पर और मरीजों को लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा, उसके बारे में संस्था जो है उसको ट्रांसफ़र करना चाहती है। और ये ट्रांसफ़र भी तो सारी लैंड नहीं होनी है, केवल मात्र उतनी ही लैंड ट्रांसफ़र होनी है जितने में हॉस्पिटल बना हुआ है। और सरकार को इसमें करने में कोई हिच भी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने बोला बंद करने को, बंद करने को अंदर के अंदर हॉस्पिटल प्रशासन को बंद करने उसके लिए हम बंद कर रहे हैं। राधा स्वामी कह रहे हैं सरकार आज भी टैक्स मांग रही है, पीछे भी टैक्स मांग रही थी, इसके आगे भी टैक्स मांगेगी क्योंकि वो टैक्स मांगने से नहीं हटेगी। यहाँ पे ऐसे ही धरना दिया था तो परसों का धरना जो है SDM साहब के आश्वासन के बाद हमने इस शर्त पे हटा दिया कि 1 दिन का टाइम दो, 5 बजे तक हम गवर्नमेंट से बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल दिल्ली गए हुए हैं, शायद किसी कारणवश ये 2 लाइनें लिख के नहीं पहुंची, तो जैसे ही वो आते हैं तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। 30 तारीख तक धरना जारी रहेगा सरकार के प्रार्थना करने के लिए कि आप जल्दी से जल्दी ये लिख के इनको भेजो। अगर वो नहीं भेजते हैं तो हम इनको नहीं जाने देंगे, राधा स्वामी हॉस्पिटल वालों को क्यों नहीं जाने देंगे। इनके 2 ही गेट हैं, एक ये आप देख रहे हैं मेरे दाईं तरफ है, एक पीछे एक गेट है। हम दोनों गेटों पे आधे आधे लोग बैठ जाएंगे, ये लोग गाड़ियां भर के कैसे ले जाएंगे, अपने एम्प्लाइज को कैसे ले जाएंगे, उनके सामान को कैसे ले जाएंगे, ये संभव नहीं है। उसके बाद फिर बाबा जी से हमारी बात चलेगी कि आप तो देव पुरुष हैं, ये जो हॉस्पिटल चलता है चैरिटी पे चलता है, लोगों के दान पे चलता है, तो आप जो है लोगों की सुविधा के लिए जहां भी इस हॉस्पिटल को ले जाओगे वहां लोगों को सुविधा दोगे, तो हमारा क्या कसूर है।